Good evening again to everyone, and welcome back to today's class. I'm fine, I'm very fine. Just that it's too cold. Yeah, it's raining, it's very cold. बहुत ठंडा हो रही है बापरे आजकल दिनों तो ठंडा रात भी ठंडा मैक्सिमम में सब ये हुई ऐसे ही करने क्लास कोई बाहर है ज्यादा लोग सोई रहे से इतना ठंड है चलो चलो आज हमारा ये आज वी विल फिनिश दिस चैप्टर प्रीपोजिशन सो कल हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे फर्स्ट एट पढ़ लिया था शायद है ना कोई एक प्रीपोजिशन तो पढ़ लिया था टू पढ़ लिया था हम लोगों ने टू पढ़ लिया था आज हम लोग बाकी सब देखेंगे देखो पहला है ऑन ठीक है देखो यहाँ पे बहुत सारा प्रीपोजिशन आएगा देखो यहाँ पे बहुत सारा प्रीपोजिशन आएगा जहां पे आप लोगों को ये करना पड़ेगा क्या बोलते हैं इसको बहुत सारा वर्ड्स मिलेगा ठीक है बट डोंट वरी ठीक है प्रैक्टिस करते 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 ठीक हो जाएगा ओके दिस अभी आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे देन मैं टेस्ट डाल दूंगा संडे को वो भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना धीरे 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 प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो जाएगा ठीक है ओके सो फर्स्ट फिक्स प्रीपोजिशन फॉर टूडे इज ऑन फर्स्ट वर्ड अटैक अटैक का मीनिंग तो आप लोगों को पता ही है तो अटैक में ऑन का दो दो तरीके से अटैक में यूज होता है गुड इवनिंग ज्योति देखो सपोज अटैक दो तरीके से यूज हो सकता है गुड इवनिंग संदीप मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं गुड इवनिंग देखो मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं एक है मैंने लिखा ही अटैक्ड डैश मी ठीक है और द अटैक ऑन पुलवामा वाज पर्सनल ठीक है चलो कोई कुछ भी यहाँ पे लिखा ही अटैक डैश मी द अटैक और डैश पुलवामा वाज पर्सनल ठीक है तो आप लोग मुझे बताइए ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये वाला सेंटेंस में व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच क्या है अटैक का फर्स्ट वाला सेंटेंस में व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस अटैक पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है मैंने पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड अदर्स आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या पार्ट ऑफ स्पीच हाँ ठीक है तो जिन लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो नहीं देखा है हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग देख लेना ठीक है पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है सी यहाँ पे अटैक एक वर्ब है क्यों क्योंकि एक्शन है अटैक मतलब एक्शन है तो वर्ब होगा सेकेंड सेंटेंस में क्या है पार्ट ऑफ स्पीच इस अटैक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है सेकंड वाला का टेल मी व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द सेकंड अटैक नाउ वेरी गुड वेरी वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया ये जो अटैक है ना ये एक नाउन है ठीक है ये अटैक एक नाउन है गुड इवनिंग कुमार ये अटैक एक नाउन है ठीक है तो रूल क्या बोलता है कि जब अटैक एक वर्ब के तरह यूज होगा तब कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा ठीक है ही अटैक्ड मी बस ही अटैक्ड मी इसमें ऑन ऑन कुछ नहीं आएगा लेकिन जब अटैक एक नाउन के तरह यूज होगा था अटैक ऑन पुलवामा तब यहाँ पे ऑन आ जाएगा इज इट क्लियर सिंपल डिफरेंस है आई थिंक यू कैन डू इट अगर अटैक एक नाउन जैसा यूज होगा तो प्रीपोजिशन यूज होगा बट अगर अटैक एक वर्ब जैसा यूज हो रहा है देन देयर इज नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड क्लियर ठीक है अटैक का हो गया नेक्स्ट होता है इंसिस्ट इंसिस्ट का मतलब होता है आप किसी को प्रेशर दे रहे आप किसी को बार बार बोल रहे ही इंसिस्टेड मी टू गो टू द पार्टी ही इंसिस्टेड मी टू टेक ए लीव सपोज ठीक है
तो इंसिस्ट करना मतलब होता है आप किसी को मतलब मना रहे, आप किसी को प्रेशर दे रहे, कुछ भी हो सकता है। तो इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन आता है। स्माइल, स्माइल के साथ ऑन भी आ सकता है, एड भी आ सकता है, ठीक है। जैसे सपोज द गर्ल स्माइल एट मी, ठीक है, तो एट मी भी आ सकता है, ऑन मी भी आ सकता है। तो स्माइल के साथ ऑन भी आ सकता है, एट भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। डिपेंड के साथ ऑन आ सकता है, डिपेंड के साथ अपॉन भी आ सकता है, ठीक है, याद रखना ये सब। सो एट डिपेंड के साथ ऑन भी आ सकता है और डिपेंड के साथ अपॉन भी आ सकता है, दोनों ही आ सकता है, ठीक है, बोथ कैन कम। आई डिपेंड ऑन हिम, आई डिपेंड अपॉन हिम, आई डिपेंड ऑन हर, आई डिपेंड अपॉन हर, ठीक है। तो क्लियर है। अटैक का सिर्फ ध्यान रखना, अटैक में दो तरह का आता है, तो उसमें ऑन आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। सो इट डिपेंड्स। इंसिस्ट में हमेशा ऑन आएगा, स्माइल में ऑन भी आ सकता है, एड भी आ सकता है, दोनों आ सकता है, ठीक है, दोनों आ सकता है, और डिपेंड के साथ ऑन आ सकता है, अपॉन आ सकता है। नेक्स्ट है ये देखो, रिलाई ऑन, रिलाई ऑन आ सकता है, आई रिलाई ऑन माय फ्रेंड फॉर स्टडीज, ठीक है, मैं अपने दोस्त पे रिलाई करता हूँ स्टडीज के लिए, सो रिलाई के साथ ऑन आएगा। बैंक के साथ ऑन आ सकता है, अपॉन आ सकता है। कैन एनी वन टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक ऑन या फिर बैंक अपॉन, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक ऑन? एनीवन? ट्रस्ट, यस, मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट। आप किसी के ऊपर बैंक ऑन और रिलाय ऑन का मीनिंग लगभग सेम है, ये दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, मतलब मैं उस पर डिपेंडेंट हूं। बैंक अपॉन मतलब मैं उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, ट्रस्ट, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना मतलब बैंक अपॉन, ठीक है, बैंक ऑन, बैंक अपॉन, रिलाई ऑन, रिलाई अपॉन, सेम चीज है। रिलाई का हो गया लीन, लीन ऑन, लीन ऑन गाना सुना है आप लोगों ने? ठीक है, लीन ऑन गाना सुना है कि नहीं आप लोगों ने? एनीवन सुना है ना, तो गाने से याद हो जाएगा। किसका गाना है ब्रो ये लीन ऑन गाना? कौन से आर्टिस्ट का है ब्रो? विच आर्टिस्ट? ये आर्टिस्ट का नाम क्यों है? अच्छा नहीं पता। आर्टिस्ट का नाम है डीजे स्नेक। डीजे स्नेक का गाना है ये, इट्स वेरी फेमस, लीन ऑन, ठीक है। तो लीन ऑन आपको गाने से याद रहेगा, लीन ऑन, ठीक है। फीड ऑन, फीड ऑन मतलब डॉग्स, सपोज एक सेंटेंस है, डॉग्स फीड ऑन क्या हो? डॉग्स नहीं, डॉग्स को छोड़ो, डॉग्स तो टाइगर्स, सपोज टाइगर्स फीड ऑन गोट्स या फिर लैम्स, ठीक है, फीड ऑन मतलब खा लेता है, फीड ऑन, ठीक है, फीड मतलब खा लेना। एम्बार्क के साथ भी ऑन आएगा, एम्बार्क का मतलब होता है कोई चीज को आप स्टार्ट कर रहे हो, एम्बार्क ऑन ए जर्नी, आई एम एम्बार्किंग ऑन अ न्यू जर्नी, ये आई एम एम्बार्किंग ऑन ए न्यू जर्नी, ठीक है, गुड इवनिंग रश्मि, ठीक है। सो एम्बार्किंग, एम्बार्क ऑन, फीड ऑन, एम्फिसिस, देखो ये वाला सेंटेंस देखिए, द एम्फेसिस ऑन ग्लोबल वार्मिंग
वॉज नेसेसरी। तो एम्फेसिस एक नाउन है यहाँ, ठीक है, तो एम्फेसिस के साथ भी ऑन आता है। एम्फेसिस का मीनिंग, एनी वन हु कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फेसिस? Can tell me the meaning of emphasis? Oh, जोड़ दिया, exactly. Emphasis करा मैंने, जोड़ दिया, ठीक है, और importance, yes, exactly, ठीक है, ये simple word, simply बोले तो importance, जोड़ दिया, वो correct, ठीक है, तो emphasis के साथ भी on आएगा। चलो next. नेक्स्ट होता है एट। एट का हमने जस्ट देखा अभी, स्माइल, स्माइल एट, स्माइल के साथ ऑन भी आता है, लाफ एट, लाफ के साथ हमेशा एट आता है, ठीक है, डू नॉट लाफ एट अदर्स मिजर, दूसरों के दुख पे हमको हंसना नहीं चाहिए, तो डू नॉट लाफ एट, ठीक है, लाफ के साथ हमेशा एट आता है, याद रखना ये। लुक एट, लुक पता है, लुक एट, ठीक है, ओके, मैं आपको तीन चीज बताता हूं, एक होता है लुक एट, एक होता है लुक अपॉन, एक होता है लुक डाउन टू, एक होता है लुक अप टू, ये चार अलग अलग मीनिंग है। लुक एट का मतलब होता है देखना, ठीक है, लुक एट हिम सपोज, लुक आफ्टर भी है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर, वेरी नाइस। लुक एट मतलब लुक एट हिम सपोज, उसको देखो। लुक डाउन टू का मतलब कोई बोल सकता है? एनीवन हु कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ लुक डाउन टू? Anyone think, सोचो क्या होगा? Look down to का meaning? Learn from that person. No, not learn from that person. Look down to मतलब ignored, मतलब किसी को खराब करना, नॉट इवन इग्नोर मतलब किसी को निंदा करना, ठीक है, ठीक है। लुक डाउन टू मीन्स थिंक बैड अबाउट समवन, ये नेगेटिव वर्ड है, मतलब नेगेटिव फेज है, थिंक बैड अबाउट समवन। लुक अप टू मीन्स आप किसी को, मतलब यू आर लुकिंग अप टू हिम मीन्स यू आर, आप किसी को एज एन क्या बोलते हैं इसको, करेक्ट वर्ड क्या यूज करूं, लुक अप टू मीन्स आप किसी को एज एन आइडल मानते हैं, सपोज यू कंसीडर समवन एज योर आइडल, रोल मॉडल, एग्जैक्टली, रोल मॉडल, वेरी नाइस, यस, करेक्ट, रोल मॉडल इज द करेक्ट वर्ड, ठीक है। तो लुक अप टू मतलब होता है यू थिंक समवन एज योर रोल मॉडल, लुक अपॉन मतलब होता है कि आप किसी को मतलब कोई चीज, आप किसी के बारे में कुछ सोचते हो, ठीक है, मतलब यू परसीव समथिंग अबाउट समवन, परसीव मतलब आप जो सोचते हैं वो, ठीक है, जैसे कि लुक अपॉन का एग्जांपल, वी लुक अपॉन हर एज आवर डॉटर, माने अमी ताइक निजोर डॉटर बुली भाव, ठीक है, अमी ताइक निजोर डॉटर बुली भाव, दैट इज द मीनिंग ऑफ लुक अपॉन, ठीक है। तो लुक अपॉन को हम लोग लुक ऑन के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, इट इज द सेम, लुक ऑन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब कभी कभी एग्जाम वगैरह में पूछ लेता है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो लुक एट मतलब लुक एट हिम, लुक अपॉन या फिर लुक ऑन का मतलब परसीव समथिंग, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख दिया, लुक डाउन टू मतलब थिंक बैड अबाउट समवन, मतलब किसी को बुरी तरह से इग्नोर करना, वो वाला चीज। लुक अप टू मतलब रोल मॉडल, लुक आफ्टर मतलब टेक केयर, ठीक है। मॉक, मॉक के साथ एड आता है, मॉक मतलब मॉक टेस्ट नहीं, मॉक का मतलब होता है किसी को मॉक करना, ठीक है, आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, ठीक है। गुड,
गुड के साथ एट आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट. सपोज शी इज गुड डैश डिजाइनिंग. जस्ट एक मिनट है. So she is good at designing. Good के साथ हमेशा ऐड आता है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट क्विक, क्विक के साथ ऐड आता है. सरप्राइज्ड एट, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हर अराइवल. ठीक है, तो सरप्राइज के साथ ऐड आएगा. रिमेम्बर सरप्राइज के साथ बाई, हम लोग जनरली आई वॉज सरप्राइज बाई हर अराइवल लिखते हैं, बाई नहीं आएगा, एट आएगा. ठीक है, शूट एट आएगा. शूट, शूट एट फर्स्ट साइट सपोज. ठीक है, बहुत सारा है, आई नो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट जस्ट जस्ट गो विथ द फ्लो. ठीक है, एग्जाम्पल्स में आएगा तो यू कैन रिमेम्बर इजी, डोंट वरी. Just go with the flow. आराम से पढ़ते रहो, बस होते रहे. Next is adapt. Can anyone tell me what is the meaning of this word? Adapt का मतलब क्या है? Guess करो. स्किल्ड यस एग्जैक्टली स्किल्ड एक्सपर्ट. एडेप्ट माने स्किल्ड एट समथिंग. ठीक है, तो एडेप्ट के साथ हमेशा एट आएगा. देखो तीन वर्ड है, एक होता है एडेप्ट, एक होता है एडाप्ट, एक होता है एडॉप्ट. एडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, एक्सपर्ट सपोज, एक्सपर्ट स्किल्ड सेम चीज है. एडाप्ट का मतलब, एनीवन हु कैन टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडाप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडाप्ट, एडीएपीटी का मीनिंग. लॉजिक नहीं है. एडप्ट का मीनिंग क्या है? एडीएपीटी का यूज टू, नो नो नो, एडप्ट में यूज टू होता है. एडप्ट मैंने जुने एडजस्ट कर लोगों पर. ठीक है, एडॉप्ट का वर्ड एडॉप्ट थोड़ी है, क्या बात कर रहे हैं. टू ग्रो एंड लर्न, यस एग्जैक्टली, टू ग्रो एंड लर्न इनटू एन एनवायरनमेंट, वेरी गुड, ये करेक्ट है. ठीक है, मतलब जो एडजस्ट कर करके हम लोग बोलते हैं ना, प्लीज एडॉप्ट टू द सिचुएशन, ऐसा है ना, प्लीज एडॉप्ट टू द सिचुएशन, मतलब सिचुएशन के साथ एडजस्ट हो जाओ. ग्रो एंड, ठीक है, और एडॉप्ट मतलब तो आपको पता ही है ना, एडॉप्ट मतलब एडॉप्ट कर लेना. ठीक है, टू एडॉप्ट समवन, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा. ठीक है, एडॉप्ट,
adopted child वो adopt, वो वाला adopt है. adapt मतलब होता है to grow and adjust और adapt मतलब होता है expert. ये सब important है, ठीक है, ये सब आप लोग वो कर लेना, एक बार पढ़ लेना. एंड प्लीज आप लोगों को अगर इंग्लिश में परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है ना, देन प्लीज स्टार्ट रीडिंग समथिंग, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल. आप कितना वर्ड सीखते रहोगे? रीड करना स्टार्ट करो, इंग्लिश मूवीज देखना स्टार्ट करो. इंग्लिश मूवीज देखने से आपका लॉजिक भी इम्प्रूव होगा और आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट है विथ. विथ में आता है क्वारल. क्वारल मतलब झगड़ा करना, क्वारल विथ समवन, क्वारल मतलब झगड़ा करना. रिप्लीट. रिप्लीट मतलब फुल. देखो दो वर्ड है, एक होता है रिप्लीट और एक होता है डिप्लीट. मूवी देखने से आप, मूवी देखने से आप उतना ज्यादा नहीं देखते हो शायद. कितना मूवी देखते हो आप इंग्लिश मूवी, मतलब इंग्लिश मूवीज कितना फ्रीक्वेंटली, कितना फ्रीक्वेंटली देखते हो बताओ. शशि थरूर का इंग्लिश तो गॉड लेवल इंग्लिश है, उसका तो समझ में ही नहीं आता. ज्यादा मूवीज देखो, रीडिंग तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है. सबटाइटल्स, हाँ सबटाइटल्स में ही देखो. मंथ में दो, अरे यार मंथ में दो मूवी देखने से हो जाएगा क्या? बोलो तो मंथ में दो मूवी कौन देखता है? थोड़ा ज्यादा देखो. मैं हर हर वीक में 3 से 4 मूवी देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी सीरीज देखने का टाइम नहीं मिलता है थोड़ा, इसीलिए मूवी 3 से 4 तो देख लेता हूँ वीक में. पता नहीं ये है ना, मूवीज के लिए एचडी मूवीज है ना, एचडी मूवीज बहुत अच्छा है यहाँ. इसमें आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, डाउनलोड करने का जरूरत. सबटाइटल भी आपको मिल जाएगा उसमें ही डाल दो, ठीक है. अच्छा वो सब छोड़ो. देखो डिप्लीट, रिप्लीट और डिप्लीट. डिप्लीट मतलब होता है खाली करना, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ. डिप्लीट मतलब खाली और रिप्लीट मतलब फुल, ये दोनों एंटोनिम्स है, ठीक है, ये दोनों एंटोनिम्स है. रिप्लीट मतलब होता है फुल और डिप्लीट मतलब होता है खाली, ठीक है, ये याद रखना. डिप्लीट आपको पता होगा शायद, डिप्लीट आपको शायद पता होगा, तो डिप्लीट याद रख लेना. तो रिप्लीट का मतलब होता है फुल, तो रिप्लीट के साथ विद आता है. रिकॉन्साइल, एफ्लिक्टेड आर्ग्यू. रिकॉन्साइल मतलब, रिकॉन्साइल का मतलब क्या है? एग्रीमेंट नहीं, रिकॉन्साइल मतलब कम टू, कम बैक टू गुड टर्म्स, ठीक है. मतलब आप किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ था लेकिन आपने रिकॉन्साइल कर लिया, मतलब आपने फिर से सब कुछ ठीक कर दिया, ठीक है, रिकॉन्साइल. इसके साथ भी विद आता है. एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड मतलब एफेक्ट होना. हाँ पैचअप, पैचअप पॉइंट, यस. रिकॉन्साइल मतलब यस पैचअप पॉइंट, ठीक है, सही है. एफ्लिक्टेड मतलब एफेक्ट होना. आई वॉज एफ्लिक्टेड विथ पेन, ठीक है. आर्ग्यू तो पता ही है आपको, आर्ग्यू के साथ भी विद आता है, ठीक है, याद रख लेना. थोड़ा थोड़ा ये सब वर्ड्स देखो, मैं आपको अलग से वोकेबुलरी तो नहीं पढ़ाता हूँ, तो वोकेबुलरी अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो ये सब वर्ड्स से ही वोकेबुलरी कर लो, फिर हम लोग जब पैसेज वैसेज करते हैं उसमें वोकेबुलरी कर लो, ठीक है. देखो वोकेब में ना आप कोई भी बुक उठा के आप 500 वोकेब चेक करने से भी नहीं होता, ठीक है. वोकैब्स ऐसे नहीं डेवलप होता है, वोकैब पढ़ते पढ़ते ही डेवलप होता है. कोई भी आपको बोल देगा ना कि आप दिन में 50 वोकैब पढ़ो, गधा जैसा पढ़ते रहो 50 वोकैब, वो बोरिंग है ना. वो वैसे कौन, वैसे नहीं पढ़ना चाहिए. प्रोसेस है, इंग्लिश एक प्रोसेस होता है. वो कभी भी ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने में इंग्लिश कंप्लीट कर लोगे, ऐसा नहीं होता है. टाइम लगता है और वो प्रोसेस बहुत लंबा है, ठीक है. मूवीज देखने से, थोड़ा पढ़ाई करने से, रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग जो लोग करते हैं या फिर जो लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उनका बहुत अच्छा हो जाता है इंग्लिश. लेकिन आप ऐसा कोई भी, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि आप
डेली उठ के 50 वर्ड सीखो, ये सब तो बोरिंग चीज है ना। आप वर्ड सीख सकोगे क्या? आप सोचो आज मैं आपको ये सब पढ़ा रहा हूँ, इसका मीनिंग ये है, आपको कितना बोरिंग लगेगा? ठीक है, तो वैसे पढ़ के कोई फायदा नहीं है, वो बोरिंग हो जाता है। सो एक हैबिट बनाओ, उसको एंजॉय करो। और इंग्लिश मूवीज देखने से ब्रेन भी डेवलप होता है ना, हिंदी मूवीज देखने से कहाँ ब्रेन डेवलप होता है? हिंदी मूवी में तो ज्यादातर मूवी में कुछ भी नहीं है आजकल, अच्छा अच्छा मूवीज आ रहा है, पहले तो कुछ भी नहीं था। हम लोग जो जिस टाइम पे बड़े हुए, जो शाहरुख सलमान खान का मूवी, उन सब मूवी में तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ है क्या? सिर्फ शो के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इंग्लिश मूवीज देखोगे तो ब्रेन भी थोड़ा, आप सोच सकते हो कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, कैसे सोचा, वो सब भी इंटरेस्ट आने से फिर अपने आप हो जाएगा। 12 फेल अच्छा है, लेकिन शाहरुख सलमान खान की मूवी में कुछ नहीं रहता है, ये सब फालतू है। ठीक है, तो देखो आर्ग्यू विद, तो उसमें उसके 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 बाद फिर बार्गेन विद, कॉम्पीट, कॉम्पीट मतलब कॉम्पिटिशन, ठीक है, कॉम्पीट विद, कॉम्प्लाई, ये इम्पोर्टेंट है, कॉम्प्लाई विद, सेटिस्फाई के साथ विद, आई वाज सेटिस्फाइड विद द फूड। क्या ये सीरीज है क्या? कोप का मैंने बता दिया था, कोप के साथ विद आएगा, डिफर के साथ मैंने बताया था वीट आएगा, डिफर के साथ ना वो भी आता है, देन भी आता है, सॉरी देन नहीं, डिफर फ्रॉम, देन नहीं आता है, फ्रॉम भी आता है, डिफर के साथ वीट भी आता है, फ्रॉम भी आता है, कोप के साथ कोप आप नहीं आएगा, ये मैंने कल आपको बोला था, कोप आप मत सीखना, कोप विद, सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड विद, सस्ता नाम, कॉम्प्लाई विद। अच्छा कोई मुझे बताओ कॉम्प्लाई का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लाई? हाँ कॉम्प्लाई का मीनिंग किसी को नहीं पता। कॉम्प्लाई का मतलब होता है मतलब फॉलो, ठीक है, कॉम्प्लाई करना मतलब फॉलो करना, प्लीज कॉम्प्लाई विद द प्रोसीडियर्स, ठीक है, मतलब जो प्रोसीडियर है उसके साथ आप फॉलो कीजिए, कॉम्प्लाई का मतलब होता है फॉलो करना, तो कॉम्प्लाई विद। बाकी सारा वर्ड भी आपको पता है, बार्गेन तो इंडिया में सबको पता है बार्गेन का मीनिंग, कॉम्पीट भी पता होगा, सेटिस्फाई पता है, कोप पता होगा आपको, डिफर भी पता होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है ऑफ, ऑफ लगता है एक्विट, एनीवन हु कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ एक्विट? अगर आता है तो जल्दी बोल, एक्विट का मीनिंग, आई वॉज गिल्टी, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने आपने ये आंसर दिया, गलत आंसर है बट अच्छा लगा, आपको अभी मीनिंग हमेशा याद रहेगा। आई वॉज एक्विटेड ऑफ माई क्राइम, मतलब मेरे मैंने जो गलती किया था उससे मैं बच गया, ठीक है, नॉट गिल्टी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एक्विट होना मतलब नॉट गिल्टी, ठीक है, तो आपने गिल्टी बोला आपको याद रहेगा, आई वॉज एक्विटेड ऑफ माई क्राइम, मतलब मैं, आई वॉज डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी, मैं गिल्टी था लेकिन मैं बच गया, होता है ना बच गया, आई वॉज एक्विटेड फ्रॉम द प्रिजन, मतलब बच गया, ठीक है, एक्विट मतलब होता है नॉट गिल्टी, डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी, ठीक है, डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी, ये एक्चुअल मीनिंग नहीं है कि मतलब वो नॉट गिल्टी है, बट डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी, तो आई वॉज एक्विटेड ऑफ माई क्राइम, मतलब मैंने क्राइम किया बट मैं बच गया। कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का सेम ऑपोजिट मीनिंग है, कॉन्विक्ट मतलब, ठीक है, ये कॉन्विक्ट का भी ऑफ आता है, आई वॉज कॉन्विक्टेड ऑफ मर्डर, मतलब मैं मर्डर का, मैं गिल्टी था, कॉन्विक्ट का मतलब दोषी। हाँ, एफ्रेड पता है, एफ्रेड ऑफ, एफ्रेड, डोंट बी एफ्रेड ऑफ समवन, पता है ना, अप्रूव, अप्रूव के साथ ऑफ आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना कि प्लीज, अगर आप अपने मैनेजर या फिर अपने हायर ऑथोरिटी को बोलोगे प्लीज अप्रूव माई लीव, नहीं ऐसा नहीं होगा, प्लीज अप्रूव ऑफ माई लीव, ठीक है, ऑफ लगेगा, अप्रूव के साथ हमेशा ऑफ लगेगा, ठीक है, ये याद रखना, अप्रूव वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप भूल जा सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि
सुनते सुनते ऐसा लगता है कि प्लीज अप्रूव माई लीव होगा, क्योंकि आप जो चीज हमेशा सुनते रहते हैं ना वो हमको ज्यादा बिलीव होता है। आपको मेरा वाला मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ ना वो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको कौन सा याद रहेगा ना, जो आप गलत डेली सुनते हैं, ठीक है, आपको वो याद रहेगा। इसीलिए मैं बार बार जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं स्टार्ट करके दे रहा हूँ, वो सब आप लोग फिर से एक बार देख लेना, ठीक है। नहीं तो व्हाट यू लिसन रेगुलरली, आप जो गलत कभी कभी हम लोग ग्रामर गलत सुनते रहते हैं, आपको पता है इंग्लिश मूवीज में भी ग्रामेटिकल सारा मिस्टेक रहता है, ठीक है। मतलब ये इसमें कोई सेंस नहीं है कि हमको क्यों ग्रामर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि इसमें कोई भी सेंस नहीं है, दैट व्हाई डू वी नीड टू स्टडी ग्रामर। आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, है कि नहीं, इंग्लिश बोलना आना चाहिए, इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए, बट देर इज नथिंग विद ग्रामर, ठीक है। मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि व्हाई डू वी स्टडी ग्रामर, ठीक है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, बट चलो सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा, बट इंग्लिश फ्लुएंसी आना चाहिए, आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो भी सुनते रहते हैं ना वो हमारे दिमाग में आ जाता है, तो हम सोचेंगे, आप लोग सोचेंगे कि अप्रूव के साथ ऑफ नहीं आए, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, तो अप्रूव के साथ ऑफ आएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट, कॉन्विंस के साथ ऑफ आएगा, कॉन्सिस्ट के साथ ऑफ आएगा, कॉम्प्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगा, ये कल पढ़ाया था आपको याद होगा शायद, कॉम्प्राइजेस के साथ ऑफ नहीं आएगा, ठीक है, ये याद, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कॉन्जिस्ट के साथ ऑफ आएगा, लेकिन कॉम्प्राइजेस के साथ नहीं आएगा ऑफ। एशेम्ड के साथ आएगा ऑफ, एशेम्ड ऑफ समथिंग, एशेम्ड ऑफ समवन। फुल के साथ आएगा ऑफ, गिल्टी के साथ आएगा ऑफ, गिल्टी। कॉन्विक्ट के साथ ऑफ आया था, एक्विटेड के साथ ऑफ आया था, तो गिल्टी के साथ भी ऑफ आएगा, फुल के साथ ऑफ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब भी देख लेना, इरेस्पेक्टिव ऑफ, aware of, proud of, तो पता ही है, proud of, scared of, fearful of, ये fearful वाला important है, आप भूल जा सकते हो, scared of आप कभी नहीं भूलोगे, proud of तो भूल ही नहीं सकते, ये तो सबको ही पता है, aware of भी नहीं भूलोगे, irrespective of भी आप नहीं भूलोगे, irrespective of बहुत बार use होता है, ठीक है, so you won't forget this, जो जो मैं भूल सकते हैं आप, उसमें मैंने star mark कर दिया, fearful of, scared, proud, aware, irrespective, any कोई वर्ड का मीनिंग पूछना चाहते हैं आप इनमें से, इसमें से या नेक्स्ट, इसमें से देखो, तो एनी वर्ड मीनिंग यू वांट टू नो, कुछ लोग, मुझे तो लगता है परसीव, परसीव कहां से आती है, परसीव का मतलब होता है, मतलब आप परसीव करते हो, मतलब व्हाट यू थिंक ऑफ, What you think of someone? आपका view क्या है, मतलब, ठीक है? What you think of someone? मतलब आपका जो perceive करते हो, मतलब आप क्या सोचते हो, ठीक है? हाँ, point of view, ठीक है? फिर आता है from. From में आपको पता है suffer from. Suffer के साथ from आएगा, ठीक है? Suffer from cancer, suffer from fever. abstain और refrain, इसका मतलब, abstain का मतलब कौन बता सकता है, anyone? आप लोग गूगल पे सर्च करके मत बोलना, अगर सर्च में पता है तभी बोलो, enjoy नहीं है, abstain मतलब enjoy नहीं है, abstain from drugs, exactly, abstain मतलब दूर रहना होता है, दूर रहना, abstain का मतलब होता है stay away from, abstain from मतलब stay away from, ठीक है, refrain भी मतलब, refrain का मतलब भी avoid होता है, avoid, same meaning है इन दोनों का, लगभग लगभग same meaning है, use अलग है but meaning same, abstain और refrain का meaning same है, तो abstain के साथ भी from लगेगा, refrain के साथ भी from लगेगा, दोनों का meaning same है, मतलब आप दूर रहते हो, avoid करते हो, that is the meaning, infer, infer, infer तो आपको पता है, inference, आप क्या उससे conclusion draw कर सकते हो, infer के साथ भी from आता है, इन्फर का मीनिंग आपको पता है ना, इन्फर, एनीवन वांट्स टू नो द मीनिंग ऑफ इन्फर, बोल तो एक बार मैं समझा दूं, नहीं तो इन्फर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए शायद, अच्छा इन्फर का मीनिंग नहीं पता, इन्फर मतलब कंक्लूजन, मतलब आप उससे, अरे एक एक क्वेश्चन देखा ना, एक ऐसा क्वेश्चन देखा है ना, व्हाट इज द इन्फरेंस from the passage, ऐसा question होता है ना, what is the inference, inference based question, inference मतलब आप क्या conclusion draw कर सकते हो, ठीक है,
डिफर के साथ फ्रॉम भी आता है, विद भी आता है, या अभी आपने देखा था डिफर फ्रॉम डिफर विद, ठीक है, इनफर डिफर रिफ्रेन रिफ्रेन एब्सटेन, ये याद रखना, रिफ्रेन एब्सटेन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, ये बहुत बार पूछता है एग्जाम, एब्सटेन फ्रॉम रिफ्रेन फ्रॉम, तुम्हारे मैसेज की सेव, डिफरेंट डिफरेंट के साथ भी फ्रॉम आएगा, सेव के साथ भी फ्रॉम आएगा, सेव मी फ्रॉम हिम सपोज, ठीक है, सेव के साथ भी फ्रॉम आएगा, ये सब तो पता ही है ना, सेव के साथ फ्रॉम, डिफरेंट के साथ फ्रॉम, चल नेक्स्ट, ये फॉर्म होगा कैसे आ गया, ये गलत है, यहाँ पे मैंने यूज किया, नेक्स्ट, हाँ ओके, ये फॉर है, वेट वेट फॉर समवन, यर्न 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 फॉर ए गवर्नमेंट जॉब, मतलब यर्न मतलब डिजायर, यर्न और डिजायर का मीनिंग ना लगभग सेम है, ठीक है, यर्न का मीनिंग याद रखना आप लोग, यर्न का मतलब होता है डिजायर, मतलब जो मुझे चाहिए, ठीक है, डिजायर डिजायर का डिजायर के साथ भी फॉर आएगा, विश फॉर द बेस्ट, विश के साथ भी फॉर, वोट के पास तो पता ही है, वोट फॉर, ठीक है, तो यर्न का याद रखना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें भूल सकते हैं, वेट तो पता ही है, वेट फॉर समवन, डिजायर फॉर, डिजायर वाला भी याद रखना, विश और वोट तो इजी है, आपको आ जाएगा, एनीवन इसमें से किसी को मीनिंग पूछना, यर्न का तो मैंने बता दिया, इसका मीनिंग डिजायर ही है, एनीवन वांट्स टू नो एनी मीनिंग इसमें से, यर्न और डिजायर, विश वोट वेट, ये सब तो पता ही है मीनिंग, ठीक है, नेक्स्ट, ओके, हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, इससे ज्यादा और नहीं चाहिए, और भी था लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, ठीक है, और बहुत सारा है, फिक्स प्रीपोजिशन एक अलग चैप्टर है, मतलब उतना हम लोग नहीं जाएंगे, बेसिक्स जो एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड है वो सब हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, नाउ वी हैव अराउंड 15-20 मिनट्स लेफ्ट फॉर द क्लास, हम इतने टाइम में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये जो 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 लाइन लिखा हुआ है ना, जो जो भी लाइन है वहां पे जो रेड है, जो रेड में है वो करेक्ट भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आपको बताना है कि अगर गलत है तो इसका रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए, और अगर करेक्ट है तो करेक्ट वर्ड, ठीक है, समझ में आया, अगर करेक्ट है, अगर विथ यहाँ पे करेक्ट है तो यहाँ पे आप करेक्ट टाइप कर दो, और अगर यहाँ पे गलत है तो क्या आना चाहिए वो बोल, ठीक है, चल टेल मी द फर्स्ट फर्स्ट वाला वर्ड, तो प्रीपोजिशन किया है, प्रीपोजिशन आई वो मैं किया ही वो को, नो प्रीपोजिशन, वेरी गुड वेरी गुड सुपर गुड वेरी गुड वेरी नाइस वेरी नाइस, तुम्हें इंग्लिश और टीचर का आगे इंग्लिश पढ़ी नहीं बाल के, और इंग्लिश इज वेरी गुड, एकदम करेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर यू आर गिविंग, इट्स वेरी गुड, ठीक है, रिजेंबल्स के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, काकोली रिजेंबल्स हर फादर, बस खत्म, विद बाय ऑन इन एट कुछ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं आएगा, मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, ये वाला नेक्स्ट वाला बताइए, द फैकल्टी ऑर्डर्ड मी टू राइट वी थिंक, टेल मी क्या आएगा, जल्दी 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 जो भी सोचते हो आप लोग आंसर तो दे दो, राइट विथ मैंने करेक्ट करेक्ट, मैंने
ইংকৰ হেল্পটি লিখিব নোৱাৰো ন, তুমি ইংকত লিখিবা, ইউ কেন ৰাইট ইন ইংক, ঠিক আছে, আপ ইংক মে লিখ সকতে ইন ইংক, ঠিক আছে, ই ইয়াদ ৰাখিবা, ইউ কেন ৰাইট ইন ইংক, ইউ কেন নট ৰাইট উইথ ইংক, আপ পেন্সিল লিখোগে, হাউ কেন ইউ ৰাইট উইথ ইংক, ঠিক আছে, চ' নেক্সট ৱালা বতাও, দিস আই আই থিংক ইউ কেন ডু ইট, ই ইয়ে ৱালা আপকা আনসার আ জানা চাহিয়ে, দা উলফ স্প্রেং অন দা কাউ, বতাও ইসমে কিয়া আয়েগা, টেল মি, एट अपॉन, वेरी नाइस, अपॉन आए गए यहाँ, जब भी ये हमने ऑन 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 टू और अपॉन में पढ़ा था कि जब भी मूवमेंट होता है, जब भी मूवमेंट होता है तो हम लोग ऑन यूज नहीं करते, तब हम लोग ऑन टू या फिर अपॉन यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे अपॉन आ सकता है, ऑन टू भी आ सकता है, ठीक है, वेरी गुड, चलो नेक्स्ट वाला बताओ, It is 10 o'clock in my watch. क्या आएगा next वाला, ये वाला? आप लोग वीडियो को दो बार नहीं देखते. I got it. You have to watch the video twice. No, no, you are not correct. It is 10 o'clock by my watch. Yes, ये example तो हमने किया है क्लास में. What is the time by your watch? भूल गया bro. You have to watch the class यार. आप लोग क्लास को फिर दो बार देखते ही नहीं. एटलीस्ट और एक बार देख लो क्लास, नोट्स बनाओ, नहीं तो ऐसे पढ़ के कैसे होगा बोलो तो, यार हर एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स होना चाहिए ना, योर ओन नोट्स, यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, आप लोग सिर्फ क्लास करके करने आने से नहीं होगा, वैसे तो कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है, डोंट फील बैड, बट ये सच है, आपका अगर अपना नोट्स नहीं है, आपका अगर अपना कुछ नहीं है तो इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, मेरे पास ये सब का तो नोट्स नहीं है इंग्लिश का, लेकिन मेरे पास एडवांस मैथ्स का अभी भी बहुत अच्छे से बनाया हुआ नोट्स है, ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब अच्छे से मैंने लिखा है उसमें, तो वो मैं खुद समझने के लिए वो यूज करता हूँ, सो वो नोट्स नहीं होने से आप कैसे, आप सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ याद रखने से नहीं होगा ना, यू हैव टू, आपका अपना भी तो कुछ होना चाहिए ना, ये पीडीएफ दे दिया, इस पीडीएफ में क्या होगा बोलो तो, ये तो पीडीएफ हम लोग आपको दे देंगे, उससे आपका कुछ नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक रेफरेंस है, आप देख सकते हो क्या है, बाकी आपको वीडियो देख के नोट्स बनाना चाहिए, है ना, इस पीडीएफ से कुछ नहीं होगा, ये पीडीएफ तो आप मतलब क्या है, ये तो पीडीएफ से अच्छा तो वीडियो है, जो वीडियो बनेगा इस क्लास का वो देख लो, बट यू हैव टू मेक नोट्स, ये वाला क्या होगा बताओ, श्रीलंका इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, बताओ, सोचो करेक्ट करेक्ट या रॉन्ग बोल दो, यही बोल दो करेक्ट, सॉरी साउथ, नॉट नहीं साउथ, करेक्ट, एनीवन एल्स, करेक्ट, देखो ये इंडिया का मैप, ये इंडिया का मैप है, ठीक है, मैं थोड़ा अजीब मैप बनेगा, उल्टा बन गया, ये वाला रीजन थोड़ा सा बड़ा है, ये साउथ में थोड़ा सा, ये ठीक है, सोच लो ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे श्रीलंका है, दिस इज श्रीलंका, श्रीलंका इंडिया में थोड़ी है, श्रीलंका तो इंडिया में नहीं है ना, इंडिया के बाहर है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता कि अगर मैं श्रीलंका को काट के यहाँ पे अगर मैं तमिलनाडु लिखता, सपोज तमिलनाडु, तमिलनाडु लिखता, तमिलनाडु यहाँ पे कहीं है, तो तमिलनाडु इज इन द साउथ ऑफ इंडिया इज करेक्ट, तमिलनाडु इज इन द साउथ ऑफ इंडिया, मतलब साउथ ऑफ इंडिया में है, बट श्रीलंका साउथ ऑफ इंडिया में नहीं, साउथ में है बट इंडिया में तो नहीं है ना, तो श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के साउथ के तरफ है, साउथ में नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस, अगर मैं आपको बोलता हूँ इंडिया के साउथ में क्या है, व्हाट इज इन द साउथ ऑफ इंडिया, देन द आंसर इज तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, जो भी है बाकी सब, ठीक है, और अगर मैं आपको बोलता हूँ कि टू द साउथ मतलब इंडिया से साउथ, तो इंडिया से साउथ श्रीलंका है, ठीक है, तो यहाँ पे इन नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा, इज इट क्लियर, ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं, बोलो तो आ गया ना,
यस ठीक है। तो श्रीलंका इज इन द साउथ में, इन द साउथ मतलब इंडिया में ही है, बट टू द साउथ मतलब इंडिया से साउथ की तरफ है, तो यहाँ पे टू आएगा। नेक्स्ट ये क्या आएगा बोलो, नेक्स्ट होगा ही वॉज ओवरवेल्ड बाई ग्रीफ ऑन द डिमाइस ऑफ हिज फादर। ओवरवेल्ड मतलब भर गया, मतलब फीलिंग से भर जाना। क्या होगा बोलो ये होगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ही वॉज ओवरवेल्ड विथ ग्रीफ, ओवरवेल्ड ग्रीफ से ओवरवेल्ड हो गया, ओवरवेल्ड विथ ग्रीफ ऑन द डिमाइस ऑफ हिज फादर। ये वाला सेंटेंस में किसी को एनी वर्ड वर्ड मीनिंग यू वॉन्ट टू नो, ही वॉज ओवरवेल्ड विथ ग्रीफ ऑन द डिमाइस ऑफ हिज फादर, कोई भी वर्ड का मीनिंग चाहिए क्या आप लोगों को? समझ में आता है ना, ओवरवेल्ड मतलब फीलिंग से भर जाना, ग्रीफ मतलब सैड, डिमाइस मतलब डेथ। ये वाला बताओ, द नेकलेस इज मेड फ्रॉम सिल्वर ऑफ, मेड ऑफ, वेरी गुड मेड ऑफ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस यार एवरीवन, करेक्ट मेड ऑफ, यस वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे ऑफ यहाँ पे क्या है, इस वाले में कर्ड इज मेड डैश मिल्क, मेड फ्रॉम मिल्क, मेड फ्रॉम मिल्क ठीक है। क्यू यहाँ पे क्यू ऑफ आया और यहाँ पे फ्रॉम आया, क्यू रीजन देखो, हम लोग जब यहाँ पे नेकलेस सिल्वर से, ये सपोज सिल्वर है, इस सिल्वर से हमने बनाया नेकलेस ठीक है, तो सिल्वर से जब हमने नेकलेस बनाया तो तब भी ये जो नेकलेस बना ये तो सिल्वर का ही नेकलेस बना, मतलब ये जो नेकलेस है यहाँ पे सिल्वर तो सिल्वर ही है, एग्जैक्टली चेंजिंग इन द नेचर, एग्जैक्टली यहाँ पे सिल्वर तो सिल्वर ही है ना, सिल्वर से जो नेकलेस बना उस नेकलेस में सिल्वर तो सिल्वर ही है ना, सिल्वर को आप कैसे चेंज करोगे, आप जो नेकलेस है वो तो सिल्वर का ही नेकलेस है, बट जब आप कर्ड को मिल्क बनाओगे ना, कार्ड को जब आप मिल्क बना, सॉरी कार्ड को कहां से मिल्क बनाएंगे, हम जब मिल्क से दही बनाएंगे ना, दूध से जब दही बनाएंगे, इसमें क्या होता है ना स्टेट चेंज हो जाता है, दूध आप दही से फिर दूध नहीं बना सकते ठीक है, जो दूध से एक बार दही बना लिया ना तो स्टेट ही चेंज हो गया, अलग कुछ बन गया, इसीलिए यहाँ पे फ्रॉम आता है, तो स्टेट चेंज हो जाने से फ्रॉम आएगा, बट अगर आपने सिल्वर से नेकलेस बनाया वो नेकलेस भी सिल्वर का ही है तो सिल्वर रह गया ना, सिल्वर अल्टीमेटली रह गया, तो इसीलिए यहाँ पे ऑफ आता है। ये एग्जांपल क्लियर हुआ कि नहीं टेल मी प्लीज, टेल मी देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन बचा है देन वी विल कंप्लीट। यस समझ में आ गया ना ये, व्हाट अबाउट अदर्स और दिस ठीक है, दो चीजें, एक होता है अगर चेंज हो जाता है मिल्क से दही बना दोगे तो पूरा दूध चेंज हो जाएगा ना, तो फ्रॉम आ गया, बट अगर आप नेकलेस सिल्वर से बनाओगे तो ऑफ आएगा, क्योंकि आप सिल्वर को ही, सिल्वर ही है ना वहां पे भी नेकलेस में भी, तो नथिंग विल चेंज। चलो चलो और भी है, सॉरी ये क्या होगा, पुट द लैडर विद द वॉल, जल्दी 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 बोल दो, ऑन एट ऑन नहीं ऑन नहीं ऑन नहीं, नहीं, ये वॉल है ये लैडर है, तो अगर आप इस लैडर को वॉल में रखोगे ना, सो इट इज put the ladder against the wall, against the wall, ये वाला बताओ, he deals with marbles and granite, tell me this one, he deals in, very good, ये हमने पढ़ा हुआ है, he deals in marbles and granite, ठीक है, ये वाला बताओ, we should not laugh on others, at, very good, बहुत बढ़िया, We should not laugh at others. Laugh के साथ at आएगा। ये वाला क्या होगा बताओ? He is suffering with cancer.
वेरी गुड. ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. सफर फ्रॉम, ठीक है. नेक्स्ट, ही इज एडिक्टेड फॉर स्मोकिंग. क्या आएगा? ए. एडिक्टेड, वेरी गुड. ठीक है, ऑप्शन है, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक. नेक्स्ट, ही डाइड फ्रॉम फीवर. क्या हो गया? यस, ही डाइड ऑफ फीवर. यस, ही डाइड ऑफ फीवर. जब कोई डिजीज से कोई मरता है ना, डिजीज या फिर मतलब कोई रोग ही है ना, ये फीवर तो रोग ही है, तो जब कोई डिजीज से कोई मरता है ना, तब ऑफ यूज होता है. ठीक है, ठीक है. और जब एनी अदर रीजन होता है ना, जब एनी अदर रीजन होता है, तब यूज होता है फ्रॉम. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना. अगर आपको डिजीज से कोई मरता है तो ऑफ यूज होगा, और अगर कोई अदर रीजन है तो फ्रॉम यूज. चलो, ही इज ब्लाइंड टू वन आई. यहाँ पे ये मैं बता देता हूँ, ये आपको नहीं आएगा शायद. ही इज ब्लाइंड टू वन आई, नहीं मतलब एक आंख से अंधा है, तो ही इज ब्लाइंड इन वन आई. इन आएगा, ठीक है, एक आंख से अंधा है, ही इज ब्लाइंड इन वन आई. चलो, हो गया चैप्टर खत्म. मैं आपको बाकी क्वेश्चंस आई विल गिव यू ऑन क्विज. वेबसाइट पे क्विज अटेम्प्ट कर लेना, अराउंड 20-30 क्वेश्चंस उसमें रहेगा, उससे आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द क्लास. थैंक यू, बाय.